हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों इंडियन नेवी के अंतर्गत जो ट्रेडमैन की वो वैकेंसी है उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपके लिए कौन सा टॉपिक स्कोरिंग रहने वाला है और आपको कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उन सारी चीज़ों की डिटेल दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम थोड़े से वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी ये वैकेंसी है, इसके साथ ही आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चलेंगे लास्ट के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ये वैकेंसी है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमेंट एमिनेशन वर्कशॉप चार्जमेंट फैक्ट्री सीनियर ड्राफ्ट्समैन की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन कार्गोग्राफिक के अंतर्गत इन सारी वैकेंसीज आई है। तो टोटल दोस्तों पोस्ट की बात करें कितनी है, 910 टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। आप अप्लाई दोस्तों ऑनलाइन कब से अप्लाई करने स्टार्ट हो जाएंगे, तो 18 तारीख से ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी 31 दिसंबर 2023 की। आपकी सैलरी क्या दी जाएगी इसके अंतर्गत वो भी मेंशन कर रखा है कि 35,400 रुपये से लेकर 112,400 रुपये तक की सैलरी पर पोस्ट अलग अलग हो सकती है, वो दी आपको जाने वाली हैं। अभी दोस्तों बता देता हूँ कि वैकेंसी की डिटेल क्या क्या रहने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों चार्जमैन के लिए टोटल 22 पोस्ट है। ये अलग वैकेंसी और भी है दोस्तों जो नवल कमांड के अंतर्गत है, उसकी भी इसी वीडियो में बताऊँगा। सीनियर ड्राफ्टमैन की है 142, चार्जमैन फैक्ट्री की है 20, सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की है 26। यह मैं टोटल पोस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप अपनी कैटेगरी वाइज भी देखते रहिए साथ साथ में। सीनियर ड्राफ्टमैन कार्गोग्राफिक की 11, सीनियर ड्राफ्टमैन एमिनेर की 50। इसके अलावा दोस्तों जो कमांड के अंतर्गत आई है ईस्टर्न नावल कमांड की है दोस्तों, टोटल 9 वैकेंसी। वेस्टर्न नावल कमांड की है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी के अंतर्गत रही है, 500 टोटल 65 पोस्ट इसके अंतर्गत आई है। साथ ही अगर एक सर्विसमैन कोई है तो उनके लिए भी इसके अंतर्गत 56 पोस्ट रहने वाली हैं। वहीं दोस्तों साउथर्न नावल कमांड के अंतर्गत 36, ये 200 टोटल कितने हो गए, 610 और ऊपर वाली 300 वैकेंसी, तो टोटल 910 वैकेंसी हो गई है। अभी इसके अंतर्गत दोस्तों आगे के लिए हम चलते हैं कि आगे की रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है। तो दोस्तों अभी एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट दोस्तों लगभग 18 से 25 या 18 से 27 साल है। तो आपकी जो भी कैंडिडेट है वो इसके अंतर्गत ज़रूर देखिएगा कि आपकी एज लगभग 18 से 25 साल के अंतर्गत हो, वो इसको लिए अप्लाई कर सकता है। अभी क्वालिफिकेशन पर पोस्ट क्या क्या रहने वाली है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों चार्जमैन एमिनेशन वर्कशॉप के लिए दोस्तों कम से कम बैचलर डिग्री आपके पास होना किसके अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत होना ज़रूरी है। वहीं चार्जमैन फैक्ट्री के अंतर्गत साइंस से आप बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या होना जरूरी, 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से, साथ ही आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंतर्गत दोस्तों, ड्राफ्ट्समैन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड के अंतर्गत आपके पास ये होना चाहिए। जो सीनियर ड्राफ्ट्समैन उसके लिए भी दोस्तों यही सेम प्रोसेस मांगा गया है। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन है उसके अंतर्गत भी आप 10वीं पास हो, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों जो सीनियर ड्राफ्ट्समैन की कैटेगरी है उसको छोड़ दीजिए, आप ट्रेड्समैन मेट की सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रहने वाली है वो बता देता हूँ। उसके अंतर्गत कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। जो 610 पोस्ट रहने वाली है वो इस पोस्ट को आराम से आवेदन भर सकते हैं। अभी दोस्तों हम चर्चा करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न से जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अंतर्गत मैं ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब्स और ऑनलाइन दोनों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। तो जो भी कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहे हैं वो ज़रूर वीडियो के सब्सक्राइब करें और अपने वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। इसके अंतर्गत जो छूट की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत OBC कैंडिडेट को और SC ST कैंडिडेट को 3 से 5 साल की छूट दी गई है। सर्विसमैन को भी सर्विस के अलावा भी इसके अंतर्गत छूट दी गई है। जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो दोस्तों 295 रखी गई है। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम भर रहे हैं उनको तो पता चल गया होगा। अभी दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन क्या क्या रहने वाला है आपका वो बता देता हूँ। तो स्क्रीनिंग सबसे पहले होगा आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंतर्गत, रिटर्न एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो एग्ज़ाम के अंतर्गत दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस की 25 क्वेश्चन आएंगे। अभी आप केयरफुल होकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी का आप बेसिड रहेगा आपका एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी इसके 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चंस आने वाले हैं, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। और दोस्तों आपकी इसमें कट ऑफ रहने वाली है वो नहीं रहने वाली वो भी जान लीजिएगा। सिलेबस और एग्जामिनेशन, आप अभी आपका सिलेबस होता है स्टार्ट, आपका जो ग्रुप बी है उनका और ग्रुप सी दोनों पोस्ट का सेम है, तो हम ग्रुप सी पोस्ट के लिए जानते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत क्या क्या आएगा यानी
वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के क्वेश्चंस इसके अंतर्गत दोस्तों पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत ज़्यादा क्वांटिटी नॉन वर्बल क्वेश्चंस की आने वाली है। द लास्ट टेस्ट विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चंस इन सिमिलरिटीज डिफरेंस स्पेस, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो देख लीजिएगा, विजुअलाइजेशन के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर। यानी दोस्तों आप जो तैयारी कर रहे हो वो लगभग लगभग इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इनको आप छोड़ दीजिए क्योंकि लगभग सभी की जो रीजनिंग होती है वो इजी है और सबको आप कवर कर सकते हो। तो ज़्यादा फोकस आप किसके ऊपर दीजिएगा दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर दीजिए। अगर उसकी चर्चा करेंगे पहले जनरल अवेयरनेस की चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आप विस्तार से दोस्तों पढ़िएगा, क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस सबसे पहले फोकस इन्होंने किस पर दिया है, एनवायरमेंट के ऊपर। तो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस आप जरूर तैयार कीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी पर दूसरा फोकस। इस क्वेश्चन विल बी आल्सो इज टू बी डिजाइन ऑफ टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, जो भी अभी करंट इवेंट्स अभी हेल्ड हुए हैं या होने वाले हैं दोनों के ऊपर आप फोकस रखिएगा। सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सेप्टेड एन एजुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इसकी कंट्रीज, जो इंडिया हो और आसपास की जो कंट्री है उनके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, हिस्ट्री के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सेंस, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंटिफिक रिसर्च इससे भी आपके रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आपको इस पर भी थोड़ा सा कम ही ध्यान देना है, हाँ ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि ध्यान भी नहीं देना, लेकिन इस पर भी कम ध्यान देना है। लेकिन आपको जो स्कोरिंग है दोस्तों इन दोनों को तो आपका लगभग लगभग हर कैंडिडेट पढ़ के जाता है, तो आप इनके अलावा भी जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है मेन फोकस इन पर रखे जाइएगा। दोस्तों इंग्लिश के अंतर्गत बता दूँ कि क्या क्या आने वाला है आपको, इनमें अंतर्गत बताया गया है कि बेसिक लैंग्वेज इट्स वोकेबलरी, वोकेबलरी तैयार करना है, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आएंगे। इसके अलावा करेक्ट यूजेज, जो सेंटेंस आता है उसको करेक्ट करके आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपको जरूर ध्यान रहना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारा क्लियर हो गया। अभी दोस्तों मैथ्स के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल और ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफिक्स, मेंशुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपको कंडक्ट कराए जाएंगे। तो दोस्तों हमने एग्जाम पैटर्न की बात तो कर ली, आपको स्कोरिंग एरियाज भी बता दिए कि आपको एग्जाम इसका एग्जाम आपसे क्या क्या क्वेश्चंस कंडक्ट कराएगा और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो जो अभी आप वीडियो वॉच कर रहे हो उनको बता दो कि आपको दोनों सब्जेक्ट्स कवर ज़्यादा करने हैं। इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स और जो आगामी इवेंट्स है दोनों किसी भी वर्ल्ड के अंतर्गत उनका जरूर अभी फोकस जरूर कीजिएगा। आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो 31 दिसंबर 2023 को रात को 12 बजे तक चलने वाला है, तो आप पहले जाके अपना आवेदन भरिए और बाद में आपके जो पोस्ट है उसकी तैयारी में लग जाइएगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसके अंतर्गत मांगा गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसका भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में